ये कंपोजिशन दोस्तों हमने पिछले साल बनाया था, इंस्टेंट बोनसाई है ये, केवल स्टाइल करके हमने इसको पोर्ट दे दिया था और क्या लग रहा था उस वक्त भी, और इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है क्योंकि लिमिटेड स्पेस में होता है। तो देखिए फ्रूटिंग कितनी बढ़िया से हो रही है। ये छोटे स्मॉल लीफ वाले कारमोना है जिसमें फ्रूट ज़्यादा होते आते हैं, फ्लावरिंग भी आते हैं, पर बड़े लीफ वाले होते हैं जिसमें कुछ फ्रूटिंग कम होती है या होती ही नहीं, केवल फ्लावरिंग होता है। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता ही है, इतने सालों से बने रहे हैं तो यह थोड़ी ब्रांच प्लेसमेंट इधर उधर हो गई है, देख सकते हैं आप। तो उसको केवल हाथ लगाएंगे और ये अच्छा दिखने लगेगा दोस्तों, कैसे देखते रहे। तो ये ब्रांच थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, देखिए इतना ही हाथ लगाया है अभी तो मैंने। तो इसी तरह से ब्रांच प्लेसमेंट अगर सही हो जाती है तो प्लांट अच्छा दिखता है, याद रखे। तो प्रॉपर तरीके से वायरिंग सीखना होता है और यहाँ हम सिखा भी देते हैं, तो जब भी मौका मिले वीडियो ज़रूर रेफर कीजिए, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पूरी उफान पे है ये प्लांट, क्योंकि यहाँ फ्रूटिंग हर ब्रांच पे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र रख दिया है, तो शायद इसकी वजह से ये नई फुटाव कर रहा है। टॉप ब्रांच निकाल लेंगे क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं अभी तो। तो केवल टचअप देने से प्लांट में इस तरह से एक कंपोजिशन में भी जान आ जाती है दोस्तों। और सही जान तो तब आएगी जब हम यहाँ सोइल मिक्स कुछ लगा के उसके ऊपर हम मॉस लगाएंगे। यहाँ वायर बाइट भी नहीं हुआ क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड रहता है, लिमिटेड स्पेस है। तो अब यहाँ हमने फर्टिलाइजर रखा है तो आई होप कि ये धीरे धीरे तो स्लो ग्रोथ तो करेगा ही करेगा। तो दोस्तों बिना ट्रेनिंग के ये हमें प्लांट मिला है कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधा नर्सरी से लाके उसमें केवल स्टाइलिंग की है और इसको लगा दिया है इस तरह से फाइनल पोर्ट में मेरे ख्याल से, जिसके बाद ये यही रहने वाला है। तो प्लांट को हम कैसे भी करके अच्छा दिखे इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, या अनट्रेन प्लांट को भी हम इस तरह से अगर सही तरीके से वायरिंग वगैरह जान लेते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस बोनसाई, क्योंकि प्लांट में कैरेक्टर ही तो चाहिए कुछ, और उसके हिसाब से अगर वो लगता है बोनसाई की तरह तो है वो बोनसाई, उसमें क्या है, उसको केवल प्रिजर्व रखना है। इतनी छोटी सी स्पेस में पूरे साल तक मैंने उसको संभाल के रखा है। मॉनसून में थोड़ा अच्छा रहता है, पानी गिरता है तो अच्छे से मॉइस्चर वगैरह आता रहता है। तो दोस्तों कुछ टचअप दिया है, बस यही था। करते रहे दोस्तों ऐसा काम भी जो हमें अच्छा लगता है, मॉस तो ऐसे ही मिल जाएगी कहीं से भी, मिलती है तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, बट कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। केवल सही तरीके से वायरिंग, ब्रांच प्लेसमेंट और ये प्लांट बनके तैयार है पूरा कंपोजिशन। आगे से देखे या पीछे से देखे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये हमने डिज़ाइन ही किए कर दिया है एक ट्री की शक्ल में। तो ऐसे ही बने रहना है दोस्तों। और कुछ बोनसाई फिगर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो ये स्टोन से कार्विंग करके बना कुछ यूनिक सा होम, कहीं हम यहीं कहीं प्लेसमेंट कर सकते हैं। सही प्लेसमेंट ज़रूरी है दोस्तों, कहीं भी ऐसे ही नहीं रख सकते,
यहाँ कुछ लग रहा है कि ये बैठेगा, तो बस अभी के लिए तो इसे ही रख देते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए टॉपिक के साथ, और कैसा लगा ये ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।